वेलकम टू टेक ओटेक्स 2.2। मैं हूं शुभम कुमार श्रीवास्तव। आज की वीडियो में बताने वाले हैं ऐसी पांच वेबसाइट के बारे में जिसको आप यूज करके पर डे का 1 से 2 हजार रुपया अर्निंग कर सकते हो, और इन पांच वेबसाइट को आप यूट्यूब ही नहीं गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो कि लेजिट है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वेबसाइट बन गई हैं जिसका आप यूज करते हो पूरे दिन में और आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो इन पांच वेबसाइट के बारे में बताऊंगा विदाउट इन्वेस्टमेंट है और बिल्कुल लेजिट है, बिल्कुल आपको स्कैम नहीं होगा इसमें और 100% इसमें अर्निंग आपकी होगी। बस इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़े से स्किल्स की और नो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस थोड़े से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक्सेल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे माने तो आर्किटेक्ट एनिमेशन की नॉलेज होनी चाहिए, 3D एनिमेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि टाइपिंग की स्किल्स होना चाहिए या फिर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग की नॉलेज चाहिए, ऐसे ही कई प्रकार की। उसमें से कम 50,000 कैटेगरी के आपको उसमें स्किल्स की जॉब मिल जाएगी, जिसमें आप अगर आपकी स्टेबल हो, जो आपने स्किल्स आपने सीखा हो उस पर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और पर डे का 1 से 2 हजार रुपये आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको ऑर्डर आने में 1-2 महीने थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसको क्लाइंट को अपने और अट्रैक्ट करने के लिए। एक बार ऑर्डर मिलने के बाद आपको प्रॉपर क्लाइंट मिलते रहेंगे, क्योंकि आपने अच्छे काम करके दिया है और अच्छे रेटिंग पाया है, तो आपको स्किल्स इसके लिए आनी चाहिए। तो आज इन पांच वेबसाइट के बारे में आज की वीडियो में हम आपको सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए, तो पहली वेबसाइट की बात करें तो इसका नाम है freelancer.com। इसमें आपको बस स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और शुरू में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको पास करना पड़ेगा। वो आप अगर पास आप कर जाते हो तो आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और काम मिलने के बाद आपको डॉलर में इनकम आती है। जैसे मान लीजिए आपने एक टास्क पूरा किया तो 200 से $300 काम के ऊपर, जैसे अगर 6 घंटे का काम है तो आपको लगभग $50 से $60 की इनकम हो जाती है, अगर पूरे दिन का या 2 दिन का काम है तो आपको $100 से ज़्यादा की इनकम हो जाती है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग अपना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। हम सर्च करके देख लेते हैं freelancer.com, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए freelancer खुल के आ चुका है, ये देखिए freelancer.com का ये लोगो है। आप यहाँ पे साइन अप करके अपना लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद 30 मिनट की एक टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाता है कि आप पास हुए हो या फेल। पास होने के बाद आपकी आप वहाँ पे अपना स्किल्स के थ्रू, जैसे आपको बैकग्राउंड चेक करने आता है, फिर वीडियो एडिटिंग आती है, फिर वेब डेवलपमेंट आता है, ऐप डेवलपमेंट आता है, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, चाहे एक्सेल आती है आपको एडवांस लेवल पे, कुछ भी आपकी जो भी स्किल्स हो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उस हिसाब से अपनी जॉब को कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की तो दूसरा वेबसाइट का जो नाम है वो पीपल पर आवर्स। मैं बात करूँ इसके वर्किंग की तो सेम freelancer.com की तरह ही वर्क करता है। इसमें भी आपको अनेक कैटेगरी में काम करने को मिल जाएगा। इसमें पर आवर्स का आपको चार्ज मिलता है, जैसे आपके अंदर जो भी स्किल्स है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और पर आवर का अपना चार्ज कर सकते हैं वो क्लाइंट से। तो इसमें भी आपको एक टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जो टेस्ट पास करना होता है, उसके टेस्ट पास करने के बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, उस हिसाब से अपना चार्ज कर सकते हो। और चार्ज के ऊपर पर डे का मानो तो अगर आपके पास कोई भी एक स्किल्स है तो आप 1,000 से 2,000 रुपये पर डे का इनकम आराम से इससे इसके थ्रू कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं इसका पीपल पर आवर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेबसाइट ओपन हो, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है पीपल पर आवर, इसमें भी आप साइन अप करके लॉग इन कर दीजिएगा और आपको 3 मिनट का एक टेस्ट होगा, टेस्ट पास होने के बाद आपको वर्किंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत कैटेगरी होती है, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो, फोटो, इमेज, फिल्म मेकिंग, बिजनेस, म्यूजिक, ऑडियो, बहुत सी कैटेगरी में आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर वेबसाइट की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है rev.com। rev.com एक फ्रीलांसर की तरह ही काम करता है rev.com। इसमें जो है कि काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादा ये वेबसाइट अभी पॉपुलर नहीं है इंडिया में, ठीक है। अब इसमें भी कई सारे कैटेगरी में काम कर सकते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग स्किल्स पे। इसमें एक्यूरेट जो है आपको कंपटीशन कम है, माने के तो इसका वेबसाइट को अभी बहुत लोग जानते नहीं है, तो इसमें कंपटीशन कम है, काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इनकम थोड़ी कम होती है, लेकिन ठीक है, rev.com भी एक अच्छा आपके लिए वेबसाइट हो सकता है। वेबसाइट की तो चौथा वेबसाइट का नाम है upwork.com। ये बहुत ही फेमस है और फ्रीलांसर के बाद अगर नाम किसी का आता है तो वो है अपवर्क। upwork.com फ्रीलांसर की तरह ही काम करता है, लेकिन अपवर्क में ज़्यादा काम मिलने के चांसेस रहते हैं और ज़्यादा क्लाइंट इसमें जुड़ने को चाहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा अच्छा है और काम भी जल्दी जल्दी मिलता है। तो आपको इसमें बहुत सी कैटेगरी मिल जाएगी, 50 से ज़्यादा कैटेगरी है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एक्सेल,
जो भी कैटेगरी मैंने फ्रीलांसर बताई है उससे कहीं ज्यादा इसमें आपको मिल जाएगी। जो भी स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जो भी कैटेगरी आपकी स्किल्स जो भी आपकी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आधा घंटा एक टेस्ट होता है, नॉमिनल टेस्ट होता है, गूगल से सर्च करके पास कर सकते हो। उस टेस्ट पास करने के बाद 24 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद अपने वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हो और 1 से 2 हज़ार की इनकम आराम से कर सकते हो। आपको तो मैंने कम बताया, जब काम मिलना शुरू होता है तो पर डे का 2 से 3 हज़ार भी हो सकता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है upwork.com। पांचवें नंबर वेबसाइट की बात करें तो पांचवें नंबर पे आता है fiverr.com। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको upwork.com का, ठीक है। upwork.com ये देखिए ओपन हो चुका है, यहाँ पे साइनअप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। upwork.com मैंने जैसे बताया आपको, फाइंड वर्क पे यहाँ पे आपको जाना है और सारे आपको जितने भी वर्क है सारे यहाँ शो कर देंगे और ये एक अच्छी वेबसाइट आपके लिए हो सकती है। पांचवें नंबर पे आता है सबसे लास्ट fiverr.com। fiverr.com भी सेम अपवर्क की तरह ही काम करता है। माने तो पांचों वेबसाइट एक ही तरह की है, लेकिन आपको इस पे स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप अर्निंग कर सकते हो कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लेजिट है, बिल्कुल जेन्युइन है, 100% वर्किंग है, 100% आपको पैसे मिलेंगे आपने काम किया है तो। इसमें कोई स्कैम नहीं है और सबसे बड़ी बात है कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगने वाली है आपकी, इसमें बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट है। तो आपको अगर 2 से 3 महीना मेहनत करने में मान लो आपको लग जाता है स्किल्स लेने में कोई भी, और उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। पर डे का 1000 रुपये भी कमा रहे हो तो क्या आपका चला गया, इतनी मतलब जॉब की कमी है, अगर आपको घर बैठे 1000 रुपये मिल जाता तो बहुत बड़ी बात है। तो आप ये fiverr.com के बारे में बता देता हूँ आपको, fiverr, ठीक है। fiverr.com ये खुल गया ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप देख सकते हो ये fiverr.com का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे ज्वाइन करके साइन इन करना है आपको और अपने काम को स्टार्ट करना है। इसमें भी सेम है, आपको 24 कम से कम टेस्ट देने पड़ते हैं आधे घंटे के, और 24 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसको आपको पास करना होता है। पास करने के बाद भी आपको क्लाइंट अपने काम देने में समर्थ होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बताया ऐसी 5 वेबसाइट के बारे में जिससे आप अर्न कर सकते हो 1 से 2 हज़ार रुपये पर डे का। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे परेशानी कोई दिक्कत आती है तो मैं अलग अलग इसका वीडियो डिटेल्स में आपको बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा तो मैं अगली वीडियो इस पर डिटेल्स में बना दूंगा और इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली।